हेलो एवरीवन, मैं नीतीश, आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रिक। रेलवे एएलपी टेक्नीशियन पैनल, बड़ी खुशखबरी, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का पैनल जो है आरआरबी भोपाल जोन से जारी कर दिया गया है पैनल पार्ट टू। स्टैंड बाय लिस्ट को मिला है मौका या नहीं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी भी एएलपी का जो है 318 सीट खाली, टेक्नीशियन सिग्नल एंड टेक्नीशियन का अप्रॉक्स फाइनल पैनल जो है वो जारी कर दिया गया है। एएलपी और टेक्नीशियन वाले इस वीडियो को ज़रूर देखें। पैनल पार्ट थर्ड जो है वो कब आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ इन सभी टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। ज़्यादा न समय लेते हुए दोस्तों चलते हैं वीडियो के रहा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, साथ में बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं भोपाल जोन में जो है एएलपी और टेक्नीशियन जो है सिग्नल और टेलीकॉम का कितनी वैकेंसी है। बात करें एएलपी का तो डब्ल्यूसीआर में जो है एएलपी का 854 सीट है और डब्ल्यूआर में जो है 256 है। एक्स सर्विसमैन का 85 है और डब्ल्यूआर में जो है एक्स सर्विसमैन का 26 है। डब्ल्यूसीआर और डब्ल्यूआर को अगर ऐड करें तो एएलपी का टोटल पोस्ट है 1110 सीट जो है एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी का छोड़ के। जैसा कि डिस्प्ले पे देख सकते हैं, मैंने जो है पैनल पार्ट वन ओपन कर रखा। पैनल पार्ट वन में जो है सिर्फ एएलपी के लिए था। एएलपी पैनल पार्ट वन में जो है 724 जो है डब्ल्यूसीआर से शॉर्टलिस्टेड किया गया था और 56 कैंडिडेट को जो है वेस्टर्न रेलवे डब्ल्यूआर से शॉर्टलिस्टेड किया गया था। टोटल जो है पैनल पार्ट वन में 780 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया और टोटल वैकेंसी जो है 1110। अभी जो है पैनल पार्ट टू आया है जिसमें कि आपको कैटेगरी नंबर वन एएलपी से 12 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया, तो यानी कि टोटल जो है शॉर्टलिस्टेड यदि करें तो 792 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है पैनल पार्ट वन और पैनल पार्ट टू दोनों मिला के। अभी भी यहां जो है 318 सीट खाली है। अब हम देखते हैं पैनल पार्ट टू जो है सिग्नल और टेलीकॉम के लिए आया है। जैसा कि डिस्प्ले पे देख सकते हैं, पैनल पार्ट टू ओपन कर रखा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भोपाल, सीएन नंबर 01/2018, प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी कैटेगरी नंबर वन टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सिग्नल कैटेगरी नंबर 134 एंड टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड टेली कम्युनिकेशन कैटेगरी नंबर 136। टोटल जो है डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था 4205 कैंडिडेट को, जिनका जो है डीवी और मेडिकल का ड्यूरेशन दिया गया है, इन डेट में किया गया और ब्लॉक डेट भी दिया गया था जो ऑब्सेंट थे उन सभी का। सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है जो भी कैंडिडेट जो है 4205 में जो भी कैंडिडेट प्रजेंट हुए और सुटेबल फिट पाए गए हैं डीवी और मेडिकल में, उन सभी को जो है उनका जो है रोल नंबर दिया गया है, उन सभी को जो है पर्सनल चीफ ऑफिसर को जो है फॉरवर्ड किया गया है। पैनल आपको जो है वेस्टर्न रेलवे का, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जो है मध्य प्रदेश जो है भेजा गया है अपॉइंटमेंट के लिए, और पर्सनल चीफ ऑफिसर वेस्टर्न रेलवे जो है चर्च गेट मुंबई भेजा गया है वेस्टर्न रेलवे वाले को, जिनका भी है। उसके नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा, दिस इज प्रोविजनल पार्ट पैनल कैटेगरी नंबर वन एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये आपका प्रोविजनल पार्ट पैनल है और कंप्लीट पैनल पार्ट जो है बाद में जारी किया जाएगा। जैसा कि डिस्प्ले पे देख सकते हैं, कैटेगरी नंबर वन से एएलपी वेस्टर्न रेलवे से जो है रैंक दिया गया है कैंडिडेट का, कितना रैंक है एएलपी रैंक, रोल नंबर दिया गया है, कैंडिडेट अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं, कैंडिडेट का नाम दिया गया है और कम्युनिटी दिया गया है किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड है एएलपी के वो अपना जो है चेक कर सकते हैं रोल नंबर। टोटल जो है एएलपी से 12 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सिग्नल कैटेगरी नंबर 134 वेस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ जो है सिग्नल का जो भी कैंडिडेट है वेस्ट सेंट्रल रेलवे को वो चेक कर सकते हैं, अपना रैंक दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है, कैंडिडेट का नाम दिया गया है, कम्युनिटी दिया गया है किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो टोटल जो है सिग्नल कैटेगरी नंबर 134 से वेस्ट सेंट्रल रेलवे से 260 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है और पैनल पार्ट टू में जो भी कैंडिडेट एएलपी और टेक्नीशियन से शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उन सभी को एग्जाम ट्रिक परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और कंग्रेचुलेशन। जो भी कैंडिडेट पैनल पार्ट टू में जगह मिली है जिनको भी, वो अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन जो है कैटेगरी नंबर 136 से वेस्ट सेंट्रल रेलवे से जो है 53 जो है कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। सिग्नल कैटेगरी नंबर 134 से वेस्टर्न रेलवे से जो है 63 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, कैंडिडेट अपना जो है रोल नंबर चेक कर सकते हैं, नाम दिया गया है, रैंक दिया गया है और किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो भी दिया गया है। फिर जो है आपको टेली कम्युनिकेशन कैटेगरी नंबर 136 से जो है वेस्टर्न रेलवे से 25 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए वो अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। तो बात करें अब वैकेंसी डिटेल की सिग्नल की, तो सिग्नल जो है आपको
260 सिग्नल से जो है वेस्ट सेंट्रल रेलवे से किया गया, जबकि यहाँ वैकेंसी 263 यानी 3 सीट ही मात्र यहाँ खाली है। टेलीकम्युनिकेशन 136 कैटेगरी नंबर वेस्ट सेंट्रल रेलवे 53 जो है कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, और आपका सिग्नल कैटेगरी नंबर 134 वेस्टर्न रेलवे जो है 63 किया गया। यहाँ पे जो है आपको 68 वैकेंसी थी, 63 किया गया, यहाँ पे 5 जो है सीट वो खाली है। तो आपको जो है टेलीकम्युनिकेशन का जो है वेस्ट सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे दोनों में जो है जितनी वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग जो है उतने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया है, यानी कि फाइनल पैनल ही जारी कर दिया गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और रेलवे की पल पल की अपडेट के लिए एग्जाम ट्रिक के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।